तो नमस्कार, सुस्वागत है, वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल VM क्लासेस पर। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना है तो करें, शेयर करना है तो करें, कमेंट करना है तो भी करें, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में हम जानेंगे PS दिव्यांग प्रमाण पत्र को लेकर, जो UDID कार्ड होता है उसको लेकर। कहने का मतलब, इसमें हम बात करेंगे कि हाँ, घर बैठे आप अपने मोबाइल से करेक्शन कर सकते हैं। क्या घर बैठे करेक्शन कर सकते हैं? किसमें? दिव्यांग प्रमाण पत्र, यानी कि सीधे शब्दों में कहूँ तो UDID कार्ड में क्या आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। कितने समय में होगा, यानी कितने समय बाद आप जैसे ही करेक्शन करोगे हाथों से तुरंत हो जाएगा, या कुछ टाइम लगेगा, कुछ महीने लगेंगे, संपूर्ण बात मैं आपको इस वीडियो में करने वाला हूँ, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। दिव्यांग प्रमाण पत्र की मैं बात कर रहा हूँ। दिव्यांग प्रमाण पत्र का मतलब सर्टिफिकेट, जिसे हम कहते हैं UDID कार्ड, क्योंकि UDID कार्ड अब एक डिजिटल दिव्यांग प्रमाण पत्र होता है ना। नॉर्मल आप जानते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं होती है, ओके। क्या घर बैठे करेक्शन कर सकते हैं? तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले नहीं कर सकते थे, पहले केवल ऑफलाइन सर्टिफिकेट में कर सकते थे। ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन होने के बाद कार्ड बन जाता है। कार्ड में ऑनलाइन जो है अपन घर बैठे करेक्शन नहीं कर सकते थे, अब कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। आप जन्मदिनांक अपडेट कर सकते हैं, नाम में जातिवादि लगाना, स्पेस हटाना, ये वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना पता कर सकते हैं, पता जो होता है उसमें अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर में अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी जोड़ सकते हैं, मोबाइल नंबर जोड़ सकते हैं, ठीक है, फोटो अपडेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें आप अपना दिव्यांगता का प्रमाण पत्र का, जो दिव्यांग प्रमाण पत्र में जो आपका सर्टिफिकेट में जो आपका प्रतिशत होता है दिव्यांगता का, प्रतिशत कितने दिव्यांग आप प्रतिशत हो, भाई कोई 40 है, कोई कम है, कोई 60 है, कोई 70 है, आप चाहे नहीं मैं तो 80 करना चाहता हूँ, तो वो नहीं होगा बिना डॉक्टर की इजाज़त के, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक कैटेगरी होती है, जैसे ALD, MD, उसमें आप मन चाहिए कैटेगरी बदल दे, ये नहीं, ये दो काम आप सर्टिफिकेट में नहीं कर सकते हैं भाई। कोई भी चीज़ जो मैंने आपको बता दी वो सब इसमें जो करेक्शन कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। पहले नहीं कर सकते थे, अब मोबाइल से आप जो है नया अपडेट हो गया है आपका, जो swavalamban.com जो वेबसाइट है वो पूरी अपडेट हो चुकी है, आप घर बैठे जो है दिव्यांग सर्टिफिकेट को जो अपडेट कर सकते हैं। कितने समय में होगा, क्या जैसे आपने ओके किया और हो जाएगा, क्या जैसे आपने ऐसे ओके किया और हो जाएगा, क्या जैसे आपने ओके किया, समझ लो आपने ओके कर दिया, तो क्या ओके करते ही जो है ओके हो जाएगा, ओके करते ही हो जाएगा? बिल्कुल ओके नहीं होगा। आप कर जरूर सकते हैं, लेकिन ये आपका जाएगा बिल्कुल आपका CMH ऑफिस में। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी यहाँ से कर दिया तो वो सीधा ऐसा हो जाएगा, टक हो जाएगा, टक नहीं होगा आपका, वो जो है ऑनलाइन जाएगा CMHO ऑफिस, वहाँ पर CMH वाले जो HO वाले जो अधिकारी है वो उसे देखेंगे, जांचेंगे, पड़तालेंगे, सारी जानकारी देखेंगे क्या सही है या गलत है। उसके बाद वो जो है उनके अनुसार वहाँ से वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे साथियों, वेरीफाई करेंगे, वहाँ से अपडेट करेंगे, वहाँ से ओके करेंगे, तभी जो है आपका वेरीफाई होगा, नया कार्ड निकलेगा, नया कार्ड में जो है आपने जो भी अपडेट किया है वो निकलेगा। तो कितने समय में होगा, क्या तुरंत होगा? तो तुरंत नहीं होगा। कितने समय में होगा तो ये कोई जरूरी नहीं है, होने को तो 2 दिन में हो जाता है, नहीं होने को तो 2 महीने में भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जाता है फिर वो जो अधिकारी है आपके CMHO ऑफिस, जो आपका जिला है, गृह जिला, वहाँ का जो CMHO ऑफिस है सरकारी हॉस्पिटल, उसमें जाता है आपके जिले में जो ये जाता है, आपके जिले में जो ये जाता है, आपके जिले में जो जाता है, क्या जाता है, आपने जो यहाँ पे से अपडेट किया, फिर वो जो आपके अधिकारी है वो अपनी वेबसाइट, अपने ID पासवर्ड डाल के उसको खोलते हैं, उसमें देखते हैं कि आज क्या क्या आया, क्या क्या नहीं आया था, यानी जब चाहे वो कोई अब सब अलग होता है, कोई जिले वाले रोज चेक करते होंगे, वाकई 1-2 महीने से भी वेबसाइट पर नहीं जाते होंगे, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए आप जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए तो आप फेस टू फेस मिल सकते हैं CMHO ऑफिस, या आपकी जान पहचान है तो बात कर सकते हैं, मोबाइल नंबर है तो बात कर सकते हैं कि मैंने जो यहाँ से अपडेट किया है, करेक्शन किया है, आप वहाँ से वेरीफाई कर दो, ओके कर दो। तो जैसे वेबसाइट को खोलेंगे, ID पासवर्ड डाल के देखेंगे और आपको ओके कर देंगे, तो तुरंत ये वैसे होगा नहीं, ठीक है। तो घर बैठे लेकिन कर सकते हैं आराम से जो चाहे आप, उसमें मैंने 2 चीज़ें बताई, उसके अलावा बाकी चीज़ें जो है आप आराम से दिव्यांग UDID कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र में, दिव्यांग सर्टिफिकेट में अपडेट कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है, इसमें कोई दोहरे वाली बात नहीं है, ओके। फिर बात आप समझ हो चुके होंगे, ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ओके, ठीक।